Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about the next energy flow model, that is the Y-shaped energy flow model. In our previous class, we discussed about the single channel energy flow model. And what is the single channel energy flow? वहाँ पे क्या हो रहा था? जो plants से they were trapping the solar radiation, उसको grazers खा रहे थे, and to very next consumer energy transfer हो रहा था. That means एक single food chain थे, एक single food chain के through कोई भी particular ecosystem है, energy transfer हो रहा था, as per the single channel energy flow model. But the ecologist E.P. Odum pointed out, in nature actually there are two basic food chains about which we have discussed in our previous classes. One is the grazing type of food chain, and another is the detritus food chain. And the grazing food chain is the one jo start hoti aapke green plant se, fir kahan jate hai, green the goes to the herbivores and the, to the carnivores. And the detritus, actually the word is kya matlab hai iska, that is the dead decaying jo bhi organic matter ho, chahe plants hai, animals hai. So the detritus is the one that wo start hogi, kahan se start hogi, with the dead decaying organic matter, fir pass hota to the detritivores like jo hamare mollusks wagera hote hai, worms, and then passes to their very predators. So you need to remember that there are two basic food chains. One is the grazing type of food chain and the detritus type of food chain. But in this, as per the single channel energy flow model, wahan pe humne kisko quote kiya tha? The grazing food chain. Kya, what was happening in the grazing food chain mein? For example, jo hamare plants the here. For example, wahan kya the? प्लांट्स वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है, लेटर वो किसको जाता है, ग्रेजर को कंज्यूम करता है, उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है, लेटर जो नेक्स्ट वेरी कंज्यूमर होगा. सो दिस इज हाउ एनर्जी वॉज फ्लोइंग इन एन इकोसिस्टम, इन एनी पर्टिकुलर इकोसिस्टम एज पर सिंगल चैनल. सिंगल चैनल यानी एक चैनल के थ्रू, वन चैनल के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज दिस वे जो आपका बनता है सिंगल चैनल एज पर दिस वेरी फूड चेन. ये कौन सा यहाँ पे है? यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ग्रीन प्लांट से. सो सर्टेनली ये क्या है यहाँ पे, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, जो आपके यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स है प्रोड्यूसर्स है. तो ग्रेजिंग फूड चेन इज द वन जो किससे स्टार्ट होता है, आपके ग्रीन प्लांट से होता है. सो सर्टेनली जो हमने एज पर द सिंगल चैनल एनर्जी में डिस्कस किया था, दैट वाज द ग्रेजिंग टाइप ऑफ द फूड चेन. तो हमने क्या कहा, वहाँ क्या होता है, इधर वेज वहाँ पे सिंगल चैनल एनर्जी के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है. बट व्हाट लेटर जो आपका इकोलॉजिस्ट आया ओडम, व्हाट ओडम सेड, देयर इन नेचर एक्चुअली देयर आर टू बेसिक फूड चेन्स. कौन कौन सा? वन इज द ग्रेजिंग फूड चेन एंड नेक्स्ट इज द डेट्राइटस टाइप ऑफ द फूड चेन. सो नाउ यू नो देयर आर द टू बेसिक फूड चेन. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सो एक्चुअली क्या होता है नेचर में, जब वेन देयर आर द टू फूड चेन्स एंड सो इन सम सिस्टम्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी, जो मटेरियल है वो कैसे आता है, दैट एंटर्स इन द सिस्टम एज प्लांट डेब्रिस. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, सम एंड वॉल इन सम मोस्ट एनर्जी एज एंटर्स द स्टम एज प्लांट डेब्रिस, वॉल इन सम मोस्ट एनर्जी फॉर हिटेरोट्रॉप्स इज प्रोड्यूस्ड बाई वॉट द ग्रीन प्लांट्स. सो सर्टनली फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द फूड चेन्स जो हमने यहाँ पे कंबाइन ज्वाइंटली बनाई है. हेयर दिस इज द ग्रेजिंग टाइप ऑफ द फूड चेन एंड दिस इज द डेट्राइट्स फूड चेन. जो कोई सिस्टम वहाँ पे इको सिस्टम है या अलग ये बनाएगा इको सिस्टम या एक वन कॉमन सिस्टम होगा, तो वॉट हैपन्स देयर, कहीं पर कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, यहाँ से हर्बीवोर आया, यहाँ से प्रीडेटर आया, सो दिस वे यहाँ एनर्जी फ्लो हो रहा है. बट एट द सेम टाइम फाइनली जो प्लांट इसका रहेगा या जो गिरेगा इसे ट्विग्स लीव्स जो भी गिरेंगे, दैट एक्यूमुलेट बनाएगा आपका डेड मटेरियल. तो वहां से आकर उस डेड मटेरियल पे कौन एक्ट करेंगे, आपके जो भी वहां पे डेट्राइटिवोर्स होंगे खाएंगे उस डेड प्लांट मटेरियल को. सो एट द सेम टाइम क्या हो रहा है आपके सिस्टम में, यहाँ से हर्बीवोर खा रहा है, यहाँ से जो डेड मटेरियल निकल रहा है उसको डेट्राइटस कंज्यूमर खा रहा है. सो ये ऑपरेट हो रही है एट द सेम टाइम इन द सेम सिस्टम. सो व्हाट हैपन्स, and in nature actually both grazing and the detritus food chain operate in the same ecosystem as one open system. You need it, this is very important here. So actually kya hota, what is the reality, humne discuss kiya in the very beginning when we started about the ecosystem. Basically jo nature mein kya hota hai, they are the open system, they actually ecosystem is not the closed one. Ha, humne isko closed one banaya, humne isko partitions kiya hai, divide kiya hai, kyun kiya hai, taki to make our studies easier, theek hai. To so what happens here, to is जैसे क्या हो रहा है, बेसिकली जो क्या है सारे इकोसिस्टम, चाहे वो लैंड है, टेरिस्ट्रियल है, बेसिकली हर जगह में हमें जो एनर्जी मास है वो शेयर हो रहा है. तो
क्या होता है एट द सेम टाइम, आप सिंपली इसको याद रखो जी, ये कोई भी प्लांट है, यहाँ से आया हर्बीवोर ने खाया, यहाँ से दूसरे कंज्यूमर ने खाया, तो आपका बन गया ये ग्रेजिंग फूड चेन। हाँ यस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो प्लांट है इसका प्लांट मटीरियल कुछ गिर जाएगा, यहाँ से डेट्राइटस कंज्यूमर आएगा वो इसको कंज्यूम करेगा, तो यहाँ से भी क्या बन गया दूसरा फूड चेन, दैट इज योर डेट्राइटस फूड चेन। तो एट द सेम टाइम एनर्जी कहाँ से फ्लो होता है, डेट्राइटस फूड चेन से भी। सो जो आपका ओडम है, गिव ए जनरलाइज्ड मॉडल ऑफ वाई शेप्ड, और जिसको हम बोलते हैं डबल जनर एनर्जी फ्लो मॉडल, एंड रिमेंबर दिस इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। सो एज पर द ओडम हमने बेसिकली, एज पर द सिंगल चैनल क्या हो रहा था, देयर वॉज जस्ट वन जो हमने ग्रेजिंग फूड चेन कोट की थी, तो वहाँ से एनर्जी एक सिंगल चैनल के थ्रू एनर्जी फ्लो होता है, बट इन एक्चुअली जो हमारे इको सिस्टम्स है वो क्लोज्ड नहीं है, दे आर एक्चुअली ओपन। तो वहाँ क्या होता है, चाहे वाटर है चाहे बिलहरी इको सिस्टम है, वहाँ एनर्जी मास ट्रांसफर होता रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, एंड मोस्टली बेसिक दो फूड चेन्स है जो साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती है, ठीक है, और एक इकोसिस्टम, या नॉट नेसेसरी लाइक जब प्लांट से डेट मटेरियल निकले, बट ऑपरेट इन द सेम इकोसिस्टम, दीज टू फूड चेन। सो व्हाट इज द एक्चुअल, यू नीड टू रिमेंबर देयर इज अ यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। आपके जो इकोलॉजिस्ट ओडम ने दिया है, जिसको वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल बोलते हैं, उसको क्या, व्हाट इज दैट सिंपली, जहाँ पे जनरल प्लांट से जहाँ से एनर्जी कहाँ होता है ट्रांसफर, बोथ इधर वेज, कहाँ से एज वेल ग्रेजिंग फूड चेन से भी और द डेट्राइटस फूड चेन से भी, दिस इज योर जनरलाइज्ड द डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब कब ये यहाँ से क्या कभी, अब नाउ डिफरेंस इज की, अब कुछ सिस्टम्स में क्या होगा, येस दे आर द टू डिफरेंट फूड चेन्स, मगर येस दिस इज इंपॉर्टेंट, अब किस इकोसिस्टम में कौन सा फूड चेन डोमिनेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल हेयर नाउ, सो दिस इज द डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल नाउ, एंड अब जिस डिपेंड्स कि किस इकोसिस्टम में अब कौन सा फूड चेन क्या होगा डोमिनेटिंग होगा, सर्टनली दिस विल डिपेंड ऑन द एनर्जी फ्लो अलॉन्ग द पर्टिकुलर फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल जो आपका ये है फूड, अगर यहाँ से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा सर्टनली वहाँ पे क्या होगा, ऑल दो दोनों जो है ऑपरेट हो रही एक इकोसिस्टम में फूड चेन्स, मगर आप क्या याद रखना है, कभी ये डोमिनेटिंग होता है किसी सिस्टम में, कभी ये फूड चेन डोमिनेटिंग होता है। ये कब होगा, ऑब्वियसली जब यहाँ से ज़्यादा एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे इसका ज़्यादा जो है ये डोमिनेटिंग फूड चेन कब होगा, जब जो हर्बीवोर से ज़्यादा फूड यहाँ से कंज्यूम करेंगे, और बिसाइड्स आफ्टर कंजप्शन उनकी असिमिलेशन एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी जो फूड कंज्यूम किया तो वो सारा का सारा तो बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता, सारा का सारा एसिमिलेट नहीं होता है, सम इज लॉस्ट एज एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो आपके बॉडी से निकलता है। सो व्हाट हैपेंस, एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो सर्टनली ज्यादा एसिमिलेट हो गया, नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होगा, सो सर्टनली दिस इज वेरी डोमिनेटिंग फूड चेन। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ से कब होगा डोमिनेटिंग, ऑब्वियसली जब डिट्राइटिस कंज्यूमर से ज्यादा डिवेट होगा, डाइवर्ट होगा जो भी फूड, जहाँ भी डिकम ऑर्गेनिक डेड मैटर निकलेगा वो डाइवर्ट होगा फ्रॉम दिस वेरी फूड चेन, तब ये डोमिनेट करेगा ग्रेजिंग फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल ये जो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन फॉरेस्ट इको सिस्टम है, यहाँ पे ये फॉरेस्ट है, दीज आर द वेरी डिफरेंट ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट जो है देखो उसमें बहुत लीव्स है, दीज फ्रूट्स है, व्हाट हैपन्स, यहाँ से ग्रेजर आएगा उसको कंज्यूम करेगा, तो स्टिल मगर वहाँ बहुत सारा बायोमास बना होता है ऑफ दीज वेरी ट्रीज वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट, स्टिल लॉट विल बी लेफ्ट फॉर दियर डिकम्पोजर, स्टिल लॉट विल बी लेफ्ट फॉर द डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रीज है, यहाँ से डिकम्पोजर आया, ठीक है, उसने भी कुछ फूड कंज्यूम करेंगे ये डिकम्पोजर्स, मगर स्टिल लॉट इज लेफ्ट फॉर द डिकम्पोजिशन एक्टिविटी। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो भी फॉरेस्टर्स है, यहाँ से भी जो ग्रेजर है फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मगर स्टिल लॉट ऑफ द बायोमास, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, आप देखो उसका जो है ये जो एरिया है उसका ट्रंक है, तो कितना बायोमास स्टिल लॉट इज लेफ्ट देयर, तो अल्टीमेटली उसका डेड डिके हो जाता है, तो वो कहाँ से कंज्यूम करते हैं, दीज वेरी डिकम्पोजर्स। तो इन रिमेंबर इन केस ऑफ द फॉरेस्ट व्हाट हैपन्स, लार्ज बायोमास इज पास टू द डिकम्पोजर्स एज कम्पेयर टू द ग्रेजर, खाते हैं वो भी अपना सफिशियंट लेते हैं, बट स्टिल लॉट इज लेफ्ट देयर फॉर द डिकम्पोजिशन, क्योंकि जो ट्रीज है ओवरऑल हम देखेंगे वेजिटेशन वहाँ पे बहुत ह्यूज बायोमास होता है, वो सारा का सारा ग्रेजर में ट्रांसफर नहीं होता है। सो रिमेंबर इन केस ऑफ द
फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो आपका क्या होता है, डेट्राइटस टाइप ऑफ द फूड चेन इज सर्टनली डोमिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फॉरेस्ट में, यहाँ से कौन आया, ये आया कौन आया, हर्बीवोर आया, उसने प्लांट मटीरियल खाया, नेक्स्ट कंज्यूमर ने खाया, बट एट द सेम टाइम जो हमने सपोज ये कोई ट्री है यहाँ पे, उसको कितना सारा जो ट्रंक है वो बायोमास वहाँ पे ही रहता है, तो फाइनली उसका क्या हो जाएगा, डेथ होगा, डिके होगा, तो वो कहाँ को ट्रांसफर हो रहा है, वो डेट्राइटस कंज्यूमर्स को ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ से फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, दिस इज जस्ट डिफरेंट इकोसिस्टम्स है वहाँ पे, एक मरीन इकोसिस्टम हमारे, वहाँ स्टोरीज इज ऑल्टुगेदर डिफरेंट, मगर आप हमने एक जस्ट वन एग्जाम्पल दी, रिमेंबर फॉरेस्ट में क्या होता है, द डेट्राइटस विल बी डोमिनेटिंग, क्योंकि लार्ज बायोमास इज स्टिल लेफ्ट देयर फॉर द डिकम्पोजिशन एक्टिविटी, यू नीड टू वेरी सिंपली रिमेंबर दिस इज द डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, इसमें क्या होता है, दिस इज द फॉर एग्जाम्पल दीज आर द प्लांट्स, एट द सेम टाइम द एक्चुअली द इकोसिस्टम्स आर ओपन, देयर आर एंड टू बेसिक फूड चेन्स, वन इज द the grazing food chain and another is the one is the grazing and another is the detritus type of the food chain, जो grazing है वहाँ से भी energy transfer होता है और detritus से भी energy होता है फॉरन, इसलिए यह हमारा double channel या y shaped energy flow model बनाता है, तो इसमें क्या है अब, एंड वॉट एल्स यू नीड टू रिमेंबर, वॉट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो फाइनली क्या होता है, जो आपका कौन सा अब डोमिनेटिंग होगा, किसी इकोसिस्टम में कोई ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेटिंग होता है तो वहाँ पे हम ग्रेजिंग को ज़्यादा कोट करते हैं, किसी इकोसिस्टम में आपका डेट्राइटस होता है तो वहाँ पे हम उसको कोट करते हैं, दिस एंड कौन कब किस सिस्टम में डोमिनेटिंग होगा, दैट डिपेंड्स किस चैनल से कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दी थी फॉरेस्ट्स में, तो हमने देखा यहाँ पे जो ज़्यादा बायोमास है फाइनली कहाँ से वो ट्रांसफर होता है, कहाँ से डाइवर्ट होता है, किस चैनल से होता है, जो आपका डेट्राइटस फूड चेन बनाता है, तो इन दैट केस द डेट्राइटस विल बी डोमिनेटिंग, सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल.